हाय दोस्तों, तो मोटो जी 5G इंडिया में आज लॉन्च हो गया है। अभी तक का चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है इंडिया में। इसका एक बढ़िया सा कैमरा कंपैरिजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पर इस फोन की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे एक ब्रांड न्यू प्रोसेसर हमें मिल रहा है, तो मैंने सोचा इसी चीज का एक टेस्ट करेंगे आज। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं स्नैपड्रैगन 7 सीरीज के 3 बेस्ट प्रोसेसर जो हैं इस टाइम, स्नैपड्रैगन 732G, स्नैपड्रैगन 750G और स्नैपड्रैगन 765G। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, क्या चीजें स्नैपड्रैगन 750G पे अच्छी हैं, पूरा कंपेयर करके देखेंगे गेमिंग में कैसा है, सीपीयू परफॉर्मेंस कैसी है, सब चीजों का आज मैं आपको आंसर दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले ऑन पेपर स्पेक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्नैपड्रैगन 732G जो है पोको X3 पे इसने डेब्यू किया था। ये बेसिकली स्नैपड्रैगन 720G, 730G इनका एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन आप मान सकते हो। स्नैपड्रैगन 765G पहला बजट 5G चिपसेट था इंडिया में आने वाला। और 5G के अलावा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 7 नैनोमीटर प्रोसेस पे ये बेस्ड है। अब ये स्नैपड्रैगन 750G जो है ये भी 5G चिपसेट है, नाम से आपको ऐसा लगेगा 732 और 765 के बीच में है, और एक तरीके से है भी, क्योंकि यहाँ पे हमें 765 वाला 7 नैनोमीटर प्रोसेस नहीं मिलता है, ये 8 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। तो मतलब एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह में थोड़ा सा पीछे होगा 765 से। और यहाँ पे एक्चुअल इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कोर यहाँ पे यूज करे गए हैं वो थोड़े बेटर हैं 765 से भी। तो पहले जो 6 लो पावर कोर हैं वो इन तीनों प्रोसेसर में एकदम सेम है। जो हाई पावर कोर है 732G और 765G में वो भी एकदम सेम है, कॉर्टेक्स A76। बस 765 में आपको थोड़ी हाईअर क्लॉक स्पीड पे वो मिलते हैं। अब 750G में क्वालकॉम ने क्या किया है, क्लॉक स्पीड तो ज्यादा तेज नहीं रखी है, लेकिन जो एक्चुअल कोर यूज किया है वो A77 है यहाँ पे, यानी A76 से एक लेवल ऊपर का है। इनफैक्ट ये सेम कोर आपको स्नैपड्रैगन 865 में भी मिलता है। इसके अलावा जीपीयू की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 750G में हमें मिलता है रे मिस्टीरियो वाला जीपीयू, यानी कि एड्रीनो 619। इसको बेसिकली आप मान सकते हो जो एड्रीनो 618 है 732 का, उसका थोड़ा सा ओवरक्लॉक्ड वर्जन ये है। अब 765G के साथ हमें मिलता है एड्रीनो 620 जीपीयू, जिसकी क्लॉक स्पीड एक्चुअली कम है बाकी दोनों जीपीयू से, पर यहाँ पे अंदर का जो मसाला है वो थोड़ा बेटर है। तो सीधे सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो सीपीयू सबसे ज्यादा तगड़ा होना चाहिए 750G का, लेकिन जीपीयू सबसे ज्यादा तगड़ा है 765G का। अब चलते हैं टेस्ट की तरफ। सबसे पहले तो जो फोन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पोको X3, मोटो G5G, OnePlus Nord, तीनों का मतलब ऐसा कुछ डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, पर हम बस प्रोसेसर्स इनके टेस्ट आउट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पोको X3 और OnePlus Nord पे हमें हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन्स मिलती हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने दोनों को 60 हर्ट्ज कर दिया है, क्योंकि मोटो G5G पे हमें 60 हर्ट्ज स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा एक डिफरेंस आपको ऊपर से दिख रहा होगा, Nord पे हमें AMOLED स्क्रीन मिलती है, बाकी दोनों फोन पे है LCD स्क्रीन। तो सारे फोन को मैंने 100 पे चार्ज कर लिया है। अब अगेन हम इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब पे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग टाइप की स्क्रीन है ये सब, पर फिर भी थोड़ा सा अंदाजा हम शायद लगा पाएंगे कि पावर एफिशिएंसी में कितना डिफरेंस है प्रोसेसर्स की। तो टेस्ट स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा वार्म अप करा लेते हैं इन सब का। उससे पहले मैं आपको टेम्परेचर्स बता देता हूँ। पोको X3 पे मैक्सिमम चल रहा है 33.5 के अराउंड, मोटो G5G पे है 27 के अराउंड, और Nord पे भी है टेम्परेचर 28.5 के अराउंड। मतलब पोको X3 पता नहीं अलग से क्यों गर्म चल रहा है। तो इन दोनों फोन्स में टेस्ट खत्म हो गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोटो G5G में सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों स्कोर्स बेटर आ गए हैं 765 से। तो पहला अजम्पशन जो था हमारा कि 750 है तो 765 से तो पीछे ही होगा, वो चीज तो यहीं पे गलत साबित हो गई है। पोको X3 में टेस्ट खत्म हो गया है, यहाँ पे आप देखोगे कि सिंगल कोर स्कोर में भी ये पीछे है, और मल्टी कोर स्कोर में तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। खैर, अब चेक करेंगे सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। तो यही टेस्ट को 3 बार रन करके देखते हैं किस में सबसे ज्यादा ड्रॉप आएगा। तो Geekbench के 5 राउंड हम रन कर चुके हैं, 5वें राउंड के स्कोर्स आप देख सकते हो। मल्टी कोर में अब Nord आगे हो गया है मोटो G5G से। जब तक पोको X3 टेस्ट खत्म कर रहा है तो इनके फर्स्ट वर्सेस 5th राउंड में डिफरेंस देख लेते हैं। अब देखो कि Nord का स्कोर तो बेसिकली बिल्कुल ही कंसिस्टेंट रहा है फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक। मोटो G5G में सिंगल कोर स्कोर तो काफी हद तक कंसिस्टेंट रहा है, इनफैक्ट पहले राउंड में कम था सिंगल कोर, लेकिन जो मल्टी कोर स्कोर है वो ड्रॉप हो गया है थोड़ा सा। और फाइनली पोको X3 का भी 5th राउंड खत्म हो गया है। इससे अगर हम सारे स्कोर्स पे हम नजर डालें तो अगेन आप देखोगे सिंगल कोर स्कोर में ज्यादा चेंज नहीं आया है, लेकिन जो मल्टी कोर स्कोर है
वो ड्रॉप हुआ है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, अराउंड आधा घंटा हो गया है हमें बेंचमार्क टेस्ट करते हुए। एक बार सीपीयू टेम्परेचर्स पे नजर डाल लेते हैं। आप देखोगे नॉर्ड का सीपीयू सबसे ठंडा है इस टाइम, और अगर फोन के टेम्परेचर्स की बात करूं तो अभी ज्यादा कोई गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा और टेस्ट करने के बाद चेक करेंगे। बैटरीज आप यहाँ पे देख सकते हो मोटो जी 5G 92 पे है, बाकी दोनों फोन 89 पे हैं, और इनकी एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से कितना mAh इन्होंने लूज करा है वो भी आपको यहाँ लिखा हुआ दिखता रहेगा। अब बारी आ गई है Antutu बेंचमार्क की, जिसमें सीपीयू के साथ साथ GPU, UI, मेमोरी सब चीज टेस्ट होगी। तो Antutu का पहला राउंड खत्म हो गया है। यहाँ पे नॉर्ड ने काफी बेटर स्कोर किया है मोटो जी 5G से, और इंडिविजुअल स्कोर अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे जो डिफरेंस है वो आया है GPU की वजह से, जिसमें नॉर्ड काफी ज्यादा आ गया है। और पोको X3 में भी टेस्ट खत्म हो गया है, यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे कम स्कोर आया है, और आप देखोगे CPU, GPU दोनों ही स्कोर में ये पीछे है बाकी दोनों प्रोसेसर से। पर ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्योंकि शुरू में जो हमने स्पेक्स में देखा था कि CPU मोटो जी 5G का बेटर है, GPU नॉर्ड का बेटर है, वो चीज अभी तक तो बेंचमार्क स्कोर देख के लग रहा है कि हमने सही एनालाइज किया था। फिर ये स्कोर्स हमने देख लिए हैं, यहाँ पे भी एक बार सस्टेन परफॉर्मेंस चेक करेंगे, सेम टेस्ट को दो बार और रन कर लेते हैं। तो Antutu के तीन राउंड खत्म हो गए हैं, एक घंटा भी पूरा हो गया है, और आप देखोगे सारे ही स्कोर्स में थोड़ा थोड़ा तो ड्रॉप आ गया है, लेकिन अभी भी नॉर्ड सबसे आगे है, पोको X3 सबसे पीछे है। सीपीयू स्कोर्स में 750G आगे चल रहा है, लेकिन जीपीयू स्कोर्स में ये काफी पीछे है 765 से। सीपीयू टेम्परेचर पे एक बार नजर डाल लेते हैं, तीनों ही फोन काफी सेम से चल रहे हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा हीटिंग हमें नहीं दिख रही है। तो पोको X3 है 40 के जस्ट नीचे, पीछे की साइड हालांकि 41.5 मैक्सिमम चल रहा है, हाथ में बहुत हल्का सा गर्म लग रहा है, कैमरा के पास से ज्यादा कुछ गर्म नहीं है। मोटो जी 5G आगे है 39.5 के अराउंड, पीछे की साइड ये भी है 41 के आसपास, और मतलब वही ज्यादा बिल्कुल गर्म पता नहीं चल रहा है। नॉर्ड है आगे की साइड 41, पीछे की साइड 40 के नीचे है, ये यहाँ पे उल्टा सीन है। एक घंटे की बेंचमार्किंग के बाद ये है बैटरी परसेंटेजेस, आप देखोगे नॉर्ड सबसे ज्यादा पीछे है, पर एक्चुअली डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। और पोको X3 और मोटो जी 5G में जो इतनी बड़ी बैटरीज मिल रही हैं, उसका ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फायदा इन्हें नहीं हो रहा है। अब इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा प्रोसेसर एफिशिएंसी की वजह से भी, बट ऑब्वियसली एक काफी बड़ा फैक्टर ये भी है कि AMOLED स्क्रीन जो है वो वैसे भी कम बैटरी खाती है। आ जाते हैं रियल लाइफ परफॉर्मेंस पे, और यहाँ पे यार वो ऐप लोडिंग वाला स्पीड टेस्ट करके मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों फोन को मैं यूज कर चुका हूँ, मोटो जी 5G को मैं अभी यूज कर रहा हूँ, और सही में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक फोन बहुत स्लो है, एक फोन बहुत तेज है, और ऊपर से डे टू डे लाइफ में जो आपको ज्यादा फर्क पता चलेगा वो इस चीज से पता चलेगा कि नॉर्ड और पोको X3 आपको हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन्स मिलती हैं, तो यहाँ पे सब चीज ज्यादा स्मूथ लगती हैं, मोटो जी 5G पे थोड़ी कम स्मूथ आपको लगेंगी। पर एक दूसरी चीज अभी टेस्ट करके देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने तीनों फोन्स पे काइन मास्टर ऐप लगा ली है, तीनों फोन्स पे सेम वीडियो मैंने इंपोर्ट कर ली है, अराउंड 6.5 मिनट की फुल HD वीडियो है ये। इन तीनों फोन्स पे एडिट करेंगे वीडियो को, तीनों फोन्स पे सेम सेटिंग मैंने कर दी है, स्पीड में रिड्यूस कर रहा हूँ 0.5 पे, और पिच रिटेन करने का ऑप्शन मैं ऑन कर देता हूँ तीनों पे। यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों फोन्स पे हमें सेम ऑप्शन मिल रहे हैं क्वालिटी पे, मैक्सिमम मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं 2K रेजोल्यूशन में 30 FPS के साथ। 60 FPS का ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और 60 FPS का ऑप्शन किसी भी फोन में मुझे नहीं मिल रहा है। तीनों फोन में मैं सेम सेटिंग यूज कर रहा हूँ, फुल HD रेजोल्यूशन 30 FPS पे इसको रेंडर करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट। तो इन दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे ही एक्सपोर्ट खत्म हुआ है, पीछे पीछे पोको X3 पे भी खत्म हो गया है, तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था इनके टोटल टाइम्स में। खैर लास्ट आ जाते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस पे, तो कॉल ऑफ ड्यूटी लोड कर लेते हैं। तो ये हैं जो ग्राफिक सेटिंग्स आपको कॉल ऑफ ड्यूटी में मिल रही हैं, और यहाँ पे काफी शॉकिंग चीज मुझे ऑलरेडी दिख रही है। पहले पोको X3 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम हाई ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन उसके साथ आप मैक्स फ्रेम रेट खेल सकते हो, यानी आप हाई ग्राफिक्स पे भी 60 FPS खेल सकते हो। बात करते हैं OnePlus Nord की, तो ये अकेला फोन है यहाँ पे जिसमें आपको वेरी हाई ग्राफिक्स तक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वेरी हाई ग्राफिक्स पे आप 60 FPS पे नहीं खेल सकते हो, आप सिर्फ वेरी हाई फ्रेम रेट पे खेल पाओगे, यानी कि 40 FPS पे। अगर आपको 60 FPS पे खेलना है, यानी मैक्स फ्रेम रेट पे खेलना है, तो आपको ग्राफिक्स करना पड़ेगा हाई पे, जो मतलब बेसिकली सेम सेटिंग हो गई जो पोको X3 पे भी मिल रही है। बस पोको X3 में फर्क क्या है कि यहाँ पे वेरी हाई ग्राफिक्स का ऑप्शन ही नहीं है। अब आ जाते हैं मोटो जी 5G पे, तो यहाँ पे काफी शॉकिंग है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो मुझे ऑप्शन मिल रहा है सिर्फ हाई ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट है, यानी हाई ग्राफिक्स और 30 FPS है बस। और इनफैक्ट अगर मैं ग्राफिक्स को मीडियम या लो भी कर दूं तो भी मुझे और एक्स्ट्रा ग्राफिक्स के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम मैं यहाँ
सिर्फ 30 FPS पे गेम चला सकता हूँ, 40 FPS, 60 FPS के ये ऑप्शन ही दे रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेसर वीक है, GPU वीक है। आई थिंक अभी ये बस इसलिए है क्योंकि ब्रांड न्यू प्रोसेसर है, कॉल ऑफ ड्यूटी अभी ऑप्टिमाइज नहीं है इस प्रोसेसर के लिए। हो सकता है कोई अपडेट के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें मिल जाए, पर अभी के लिए सिर्फ 30 FPS तक का ऑप्शन है और मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर मेरा कुछ गेमिंग करने का ज्यादा फायदा है। क्योंकि देखो यार, हाई ग्राफिक्स 30 FPS पे तो इन तीनों ही फोन्स पे मैं 4 घंटे भी गेम खेलता रहूंगा तब भी कुछ ऐसी हीटिंग, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह नहीं होंगे। गेमिंग टेस्ट में अभी के लिए छोड़ देता हूँ, वैसे इनका एक पूरा बैटरी ड्रेन गेमिंग टेस्ट आने वाला है, उसमें थोड़ा और अच्छे से टेस्ट करेंगे गेमिंग परफॉर्मेंस। खैर, ये था ब्रांड न्यू स्नैपड्रैगन 750G के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस और मैं कहूंगा अभी के लिए थोड़ा मिक्स्ड सा है मेरा रिएक्शन। क्योंकि देखो, जो स्नैपड्रैगन 730G, 720, 732G ये वाले फोन्स हैं, इनसे डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर है परफॉर्मेंस में, पर जितना डिफरेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ज्यादा भी नहीं है। और ये जो नए कोड्स यहाँ पे मिल रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि भाई शायद ये 765 को भी पीछे छोड़ दे, ऐसा मुझे कुछ होता हुआ नहीं दिखा है यहाँ पे। खैर, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हो सकता है अपडेट्स वगैरह के थ्रू यहाँ पे थोड़े और हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले। वैसे और बहुत सारे टेस्ट कंपैरिजंस मैं करने वाला हूँ इस फोन के, आप मुझे जरूर बताना आप और कौन सा कंटेंट देखना चाहते हो मोटो जी 5G के बारे में। अभी के लिए तो मैं बस वही चीज बोलूंगा कि यहाँ डेफिनेटली एक हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन जरूर ऐड करनी चाहिए थी मोटोरोला को। 60 Hz ही दे रहे थे तो AMOLED दे सकते थे, अब LCD दे रहे हैं तो एटलीस्ट 90 Hz, 120 Hz की LCD तो होनी चाहिए थी। खैर, आप बताओ आपको कैसा लगा इस नए प्रोसेसर का परफॉर्मेंस, और कुछ सवाल मन में रह गए हैं तो नीचे कमेंट करो या मेरे ट्विटर पे आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।